हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। हमारे कई सारे व्यूअर्स हमारा नीचे वाला गार्डन देखना चाहते थे, तो सोचा आज शेयर करते हैं। चलिए लेकर चलते हैं अपने नीचे वाले गार्डन में। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्लांट है अगेव, जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत सजावट देता है आपके गार्डन में। तो इसको आप बेबी प्लांट से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सेकंड प्लांट है ये कोलियस, जो कि एक्स्ट्रा कटिंग्स थी कुछ, जो हमने मदर प्लांट से कट की थी, क्योंकि सर्दियों में ये बेकार हो जाती हैं। तो वही ये बेकार हुई कटिंग्स हमने यहाँ लगा दी थी। जब ग्रोथ कर लेंगी तो इन्हें सही से ग्रो कर देंगे फिर। तो ये है एक मधुमालती का बेबी प्लांट। बेबी प्लांट से मधुमालती को ग्रो करने पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ये एक शहतूत की कटिंग हमने ग्रो की थी, जो लंबे वाले शहतूत आते हैं। तो शहतूत वाली वीडियो में हमने शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए, जो मलबेरी भी कहलाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे कुछ रेन लिली, कुछ फेयरी लिली हैं, जो कि एक्स्ट्रा बल्ब होते हैं। तो हम यहाँ नीचे वाले गार्डन में ही उनको लगा देते हैं, और फिर ज़रूरत होती है तो फिर यहाँ से वापस से निकाल लेते हैं। ये है अंजीर, जिसको फिग कहते हैं। ये हमने कटिंग से ग्रो की है, और देख सकते हैं इसमें न्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है। कई सारी कटिंग्स ग्रो की थी, जिसमें सभी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिल चुका है। यहाँ पर जूनिपर की कटिंग्स भी हैं, जिनमें ईजिली ग्रोथ हो चुकी है, और कुछ एक्स्ट्रा वही फेयरी लिली हैं। और ये एक टमाटर का प्लांट है छोटा सा, जो कि छोटे छोटे अपने आप ग्रो हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर लगाया हुआ है एक। हालांकि हमें ये मिलेगा नहीं, क्योंकि बंदर बहुत हैं हमारे यहाँ पर। ये 10 o'clock प्लांट का एक छोटा बेबी प्लांट है, और ये है सुदर्शन, जो कि लाइनिंग वाला सुदर्शन होता है। तो ये भी आप बेबी प्लांट से इजीली जगह जगह लगा सकते हैं, इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कुछ हिबिस्कस की कटिंग्स हैं, यानी गुड़हल की कटिंग है, और ये ऑक्सेलिस जो होता है वो अपने आप ग्रो हो जाता है। हमारे यहाँ काफ़ी हो गया है, अगर आप एक बार इसको लगा देते हैं तो। ये है वांडरिंग ज्यू, और ये भी कटिंग से लगाया हुआ है। ये एक साग होता है, इस पर एक वीडियो शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। एक तरह का साग होता है ये। ये बेला की कटिंग है, यानी मोगरा की कटिंग है। जो बेला हमने शेयर किया था, ये बेला की नहीं है, ये मोगरा वाला प्लांट है। तो ये है एक और हिबिस्कस की कटिंग, जो कि इजीली ग्रोथ कर लेती है। और ये एक यहाँ पर कैलेंचो का प्लांट है, और यहाँ पर ये एक जो एक तरह का जामुन होता है, उसको ममुनी कहा जाता है। इस पर भी आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी, उसका फ्रूट अगर आपको देखना है। ये क्लाइंबिंग रोज़ है, तो उधर की तरफ आपने देखा जो बड़ा वाला क्लाइंबिंग रोज़ है, वो अगर बेकार हो जाएगा तो फिर प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो एक कटिंग हमने यहाँ पर लगा दी है, जो कि बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तो इससे क्या होगा, प्लांट्स बने रहते हैं लगातार। ये यहाँ पर स्पाइडर प्लांट था कुछ एक्स्ट्रा, वो लगा दिया है। ये फिर से लाइनिंग वाला सुदर्शन है, और ये ग्रीन वाला सुदर्शन है। तो ये सभी बेबी प्लांट से तैयार किए गए हैं। और ये 10 o'clock है, जिस पर अभी यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आ पाती है, क्योंकि ऊपर बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, उनकी छांव रहती है। तो देखिए, इस पर सीड्स भी आ रहे हैं, फ्लावर्स भी इस पर आते रहते हैं। यहाँ पर ये लोकार्ट से, जो लोकार्ट अगर आपने देखा हो, फ्रूट होता है एक तरह का, तो उसके सीड्स हमने ग्रो किए थे ये, तो उससे अपने आप ग्रो हो गए हैं। यहाँ पर ये मौसम्बी के सीड्स ग्रो किए थे, मौसमी जो होती है, तो उसके सीड्स भी ग्रो हो गए हैं अपने आप। और इधर ये ड्रेसिना की कटिंग ग्रो की थी, ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और इधर की तरफ ये कालाबासा है, जो कि एक औषधीय प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। तो हम सोच रहे हैं इस पर भी एक वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लांट है, अगर आपको ये कहीं दिखाई दे। और ये फ्लावरिंग प्लांट भी है, येलो कलर के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, डिफरेंट वैरायटी होती है उसमें, दूसरे कलर्स भी आते हैं। ये बास्केट प्लांट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से ग्रोथ कर लेता है। इस पर भी वीडियो है कि ये भद्द, जिसको बढ़ल भी कहते हैं, उसका एक प्लांट है, जो कि सीड से तैयार किया गया है। जिस एरिया में हम रहते हैं, यहाँ पर बढ़ल को कटहल कहा जाता है, और कटहल को बढ़ल कहा जाता है, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन ये भद्द वाला बढ़ल है, जो कि बहुत कम देखने के लिए मिलता है, अब तो वो बिल्कुल दुर्लभ ही हो गया है। आप ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको इंटरनेट पर कई सारी जानकारी उसकी मिल जाएंगी। ये इधर की तरफ ये टिकोमा का एक कटिंग लगाई हुई है, जो कि अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और इधर ये चीनी अमरूद है, तो ये भी लगाया हुआ है। ये प्लांट हमने लेकर लगाया था नर्सरी से। और यहाँ पर ये अनार लगाए हुए हैं, लेकिन ये हमें कहीं मिलते नहीं हैं, क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा हैं। जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं, उन्हें पता है कितने बंदर हैं। तो सारे आपको फ्रूट सारे मिलेंगे गार्डन में, अनार, अमरूद, आम सब मिलेंगे, बढ़ल और लोकार्ट, लीची सब कुछ मिलेगा, चीकू मिलेगा, लेकिन
कुछ हमें नहीं मिलता है, बेर भी है, लेकिन लगाने का शौक़ है, ग्रीनरी बढ़ाने का शौक़ है, तो अपना काम करते रहते हैं। देखिए कितने सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, फल भी इस पे बनते हैं, फूल भी आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, किसी को तो खाने के लिए मिलते हैं। ये आम का जो पेड़ है ये लास्ट ईयर का है, ये हमने सीड से ही ग्रो किया था क्योंकि वो आम बहुत ही अच्छा था, तो सोचा इसका एक पेड़ बना देते हैं, कभी ना कभी जाकर फल ज़रूर देगा, जिसे भी देगा, हमें दे या ना दे, लेकिन जब भी कभी इसका कोई फल खाएगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी वैरायटी थी तो सोचा ग्रो कर लेते हैं, सीड से ग्रो किया हुआ है। इधर ये जो गिलोय हमने शेयर की थी, अगर आपने गिलोय वाली वीडियो देखी हो तो कितनी ज़्यादा ये फैल चुकी है, चारों तरफ फैल चुकी है, बहुत दूर दूर तक इसकी टहनियाँ जा चुकी हैं, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी गिलोय हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छा औषधीय पौधा है। ये एक बड़ा लोकाट है जो कि लगभग 2 साल पुराना हो चुका होगा, ये तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, न्यू ग्रोथ है इसमें। ये हमने किसी वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर किया होगा जिसमें शायद हमने आपसे फ्रूट्स के जो सीड्स हैं वो ग्रो करना बताया था, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कितना छोटा सा था। ये एक अमरूद का पेड़ है जो कि एयर लेयरिंग से तैयार किया था, उस पर भी फ्लावर्स आते हैं। यहाँ पर ये मैक्सिकन पिटूनिया है जो हमने मदर प्लांट की तरह लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर इसको ज़्यादा धूप नहीं मिल पाती है ज़्यादा पेड़ होने की वजह से, तो हमने इसलिए इसको रखा हुआ है कि इसकी कटिंग्स अगर हमें जगह जगह लगानी होंगी तो हमें इजीली ये प्लांट मिल जाएगा। इधर की तरफ ये सुदर्शन चारों तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये एक गूलर का बड़ा सा पेड़ है जो कि अंजीर की तरह इसका फ्रूट होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, तो इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, इसके फल भी खाए जाते हैं, अंजीर की तरह ही होता है बिल्कुल गूलर। और यहाँ पर ये बुगनवेलिया चारों तरफ फैल गई है ऊपर पेड़ों की तरफ, और इधर ये एक पिलखन है जिसको पकड़िया भी बोलते हैं, ये आपने अक्सर देखी होगी, ये भी एक बहुत छोटे से पौधे से लगाई थी जो जगह जगह अपने आप ग्रो हो जाते हैं, उनसे तैयार की हुई है। यहाँ पर अशोक का पेड़ है जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये भी हमने बीज से आसानी से ग्रो किया था और इस पर वीडियो शेयर की हुई है, अशोक के आप सीड ग्रो कर सकते हैं आसानी से। जगह जगह आपको गुड़हल की यानी हिबिस्कस की कटिंग्स मिल जाएंगी लगी हुई, और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी आती है। यहाँ पर ये मौसमी तो नहीं है लेकिन ये सिट्रस की ही कोई वैरायटी है जो कि सीड से ही ग्रो की हुई है। यहाँ पे शहतूत के भी आपको बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे, और ये एलोकेशिया है जिस पर एक वीडियो भी शेयर कर चुके हैं, इसका फ्लावर देखिए ये मुरझाने लगा है, 1 साल में एक बार इस पर फ्लावरिंग होती है। इधर इलायची है तो इस पर भी फूल आ रहा है, इस पर एक वीडियो हम शेयर कर देंगे। तो अभी एक ही फूल मिला है इस वीडियो में, दूसरा फूल और आ रहा है, एक स्पाइक आती है इसमें, फ्लावर स्पाइक। तो ये इलायची तालाब के किनारे लगी हुई है तो अच्छे से ग्रोथ कर रही है। बाकी ममनी यानी जो जामुन की एक वैरायटी होती है उसके काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं क्योंकि सीड्स गिरते रहते हैं और वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे कुछ गुड़हल की कटिंग्स और शहतूत ही जगह जगह अपने आप ग्रो हो जाते हैं, कटिंग्स लगा देते हैं हम। ये भी मौसमी के सीड से ग्रो किए हुए प्लांट्स हैं क्योंकि तितलियां बहुत सारे जो सिट्रस वैरायटी होती है उस पर अंडे देती हैं, तो वो तितलियों के लिए अच्छा होता है, तो मौसमी नींबू इनके सीड्स हम बेकार नहीं करते हैं, लगा ही देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सीरस का पेड़ है जिस पर गिलोय भी फैली हुई है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही शेयर करेंगे। थैंक यू।